भोपाल के कोलार इलाके में दुर्लभ पीले मेंढक देखने को मिल रहे हैं। 3 दिन की बारिश के बाद ये पीले मेंढक पानी भरे गड्ढों में उछल कूद करते नजर आए। विशेषज्ञ बताते हैं कि विशेष किस्म के नर मेंढक ब्रीडिंग के वक्त एकदम पीले हो जाते हैं। जीव जंतुओं की दुनिया भी अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई है। भोपाल में 3 दिनों से हुई बारिश के बाद मेंढकों का अनोखा संसार नजर आया। कोलार के दानिशकुंज इलाके में बहुत ही आकर्षक पीले मेंढक देखने को मिले। खाली पड़े प्लॉट्स में पानी भर जाने से ये अनोखे पीले मेंढक उछल कूद कर रहे थे। इन पीले मेंढकों ने आसपास रहने वालों को भी आश्चर्य में डाल दिया। बारिश के बाद ये पीले मेंढक सामने आए। कोलार इलाके में पहली बार सुनहरे चमकदार पीले मेंढक नजर आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है पीला मेंढक दुर्लभ होता है और ये अच्छी बारिश होने का संकेत देता है। बारिश के वक्त मेंढकों का ब्रीडिंग काल होता है, इसीलिए बारिश में इनका पीलापन उभर आता है। पीले रंग के मेंढक दुर्लभ जरूर हैं, लेकिन इस प्रकार से निकलने की यह घटना कई राज्यों में बारिश के दिनों में होती है। आपको बता दें कि ये दुर्लभ मेंढक भारत में पाए जाते हैं और इन्हें इंडियन बुल फ्रॉग कहा जाता है। प्रजनन काल में मेंढक रंग बदल कर पीले हो जाते हैं, जो किसानों के लिए अच्छा माना जाता है। ये मेंढक आमतौर पर महाराष्ट्र में ही नजर आते हैं। ऐसा पहली बार है कि इन्हें भोपाल में भी देखा गया। वैसे इन्हें झुंड में रहना पसंद नहीं है और समुद्री इलाकों के आसपास ही पाए जाते हैं, मगर बीते कुछ सालों से इन्हें आबादी वाले क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। जीव विज्ञानी इंडियन बुलफ्रॉग की इस प्रजाति को होप लोब्रटेचस टाइग्रिन्स कहते हैं। इस प्रजाति के मेंढक भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। ये आमतौर पर भूरे रंग से लेकर ऑलिव ग्रीन कलर तक में होते हैं, लेकिन मेटिंग के दौरान ये पीले रंग के नजर आते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।